ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पहला हम जिक्र करेंगे वेस्टर्नाइजेशन का. वेस्टर्नाइजेशन का नेम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एज वेस्टर्नाइजेशन. ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जिसके अंदर जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न नॉर्म्स, कल्चर, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, देयर वे ऑफ अर्निंग, देयर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो क्या हो रही है? वो फैलते जा रहे हैं पूरी दुनिया में. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एज वेस्टर्नाइजेशन जो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स हैं ना, जैसे हम कहेंगे पाकिस्तान है, इंडिया है, ये दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके स्कॉलर्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो समझते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, कि जो वेस्टर्न वैल्यूज और आइडियाज हैं, दीज आर बिंग प्रोमोटेड विद इन द होल वर्ल्ड, एंड दैट दीज आर बिंग एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, प्रोपोनेंट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ वेस्टर्न आइडिया. सॉरी, यहाँ पे वेस्ट, डब्ल्यू इज द कैपिटल वन, यहाँ पे भी कैपिटल होना था लेकिन प्रेजेंटेशन आते हुए ये मिस्टेक हो गई. सो ग्लोबलाइजेशन इज द वेस्टर्न आइडिया. ये ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया है कि किस तरह इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, वो किस तरह से हो रही है, दैट इज एन आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. किसका आइडिया है? वेस्टर्न आइडिया, ये वेस्ट का आइडिया है. और इसके जरिए से, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए से क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म. कॉलोनाइजेशन है कि कॉलोनीज बन रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैसे अपने कंट्रोल में ले रही है, कैसे एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री. इंपीरियलिज्म, हाउ वन कंट्री इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रही है, उसके ऊपर हावी हुई हुई है, उसके कल्चर को कंट्रोल कर रही है, उसके आइडियाज के ऊपर उसने इन्फ्लुएंस डाला हुआ है. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं कि इट इज अ वेस्टर्न आइडिया. ये वेस्टर्न आइडिया है जिसके अंदर वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न आइडियाज को, वेस्टर्न डोमिनेंसी को, कि वेस्ट वेस्ट जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, वो सबसे ज्यादा सबके ऊपर कंट्रोल करेगा, वो ये आइडिया फैला रहा है. और क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या एक्सपीरियंस है? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कल्चर. यूरोपियन कल्चर फैल रहा है किस तरह से? कॉलोनाइजेशन के जरिए से. ठीक है, सेटलमेंट के जरिए से, कल्चरल इमिटेशन के, कॉलोनीज बन रही है. यूरोप ने क्या किया है, यूरोपियन कंट्रीज ने डिफरेंट कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया हुआ है. जैसे हम ही कहते हैं कि जो यूके था उसने अपनी कॉलोनी बनाई थी इंग्लैंड ने पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर. तो ये जो कॉलोनी बनी है, इस कॉलोनी ने क्या किया है कि ये इस कॉलोनी के बनाने की वजह से हमें पता चला ना वेस्टर्न, हमें यूके की उसके पता चला, इसकी लैंग्वेज का पता चला, उनके कल्चर का पता चला, उनके ड्रेसिंग का पता चला. तो और क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज हैं, वो उनके कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, उनके कल्चर को अपनी लाइफ में उन्होंने इंक्लूड कर दिया, उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. और इस तरह से कह रहे हैं कि जितनी भी सेटलमेंट हो रही है, जितनी भी इनकी जिंदगी में वाकयात हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, जितनी भी अरेंजमेंट्स कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हैं, तो दैट इज लाइक वेस्ट. पूरा वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न जो सिस्टम है, कल्चर है, वो बाकी कंट्रीज के ऊपर चल रहा है. और ये क्या कह रहे हैं, किस तरह से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन क्या है कि सिंगल वर्ल्ड कल्चर बन गया, दुनिया का एक ही कल्चर बन गया, और वो एक कल्चर किसका है? वेस्ट का है. वो जो वेस्ट का कल्चर है, जो वेस्ट में सिर्फ मौजूद था, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न कल्चर था, अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है. अब उसकी वजह से पूरी दुनिया का कल्चर एक ही जैसा हो गया. और वो कल्चर किस तरह से है? मैस मीडिया के थ्रू फैल रहा है, अमेरिकन एंड इंग्लिश लैंग्वेज है. मेन पर्पस क्या है कि एक किस तरह से हो रहा है या किस तरह से शो हो रहा है, अमेरिकन और इंग्लिश कल्चर लैंग्वेज हमने पता चल रही है पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और या मैस मीडिया, ये जो मीडिया है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसके थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास है डी टेरिटोरियलाइजेशन, की जो टेरिटरीज हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो हदूद मुकर्रर थी मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में, अब वो हदूद उस तरह से खत्म हो गई. शिफ्ट इन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, कि जो ज्योग्राफिकली, जो ज्योग्राफी की बुनियाद पे, जो जमीनी जो बाउंड्री बनी हुई थी उसकी बुनियाद में कंट्रीज आपस में अलग थे. ठीक है, या उनका इन्फ्लुएंस था, वो जो जोर था, उनका जो असर था, वो खत्म हो गया.
ठीक है। अब आप खुद देखोगे, आप यहाँ बैठे, घर बैठे आप अमेरिका के किसी बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप किसी चाइना के बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप किसी सऊदी के बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हो। इंटरेक्शन के साथ साथ यू कैन कॉल हिम, यू कैन सेल हिम एनी प्रोडक्ट, आप उसको बेच सकते हैं, आप उससे कुछ खरीद सकते हैं, आप उससे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आप उससे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि ये जो बाउंड्री की रिस्ट्रिक्शन थी दैट इज रिप्लेस्ड, वो खत्म हो गई है, वो रिप्लेस हो गई है। किसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया? टेरिटोरियल प्लेसेस का, मतलब एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, एक हदूद है, वो जगह कहाँ है, उनके दरमियान में फासला कितना है, उनके बॉर्डर किस तरह के हैं। तो ये जो टेरिटरी से रिलेटेड, हदूद से रिलेटेड मुकर्रर जो पाबंदियां थी वो इस तरह से नहीं नजर आती, सिर्फ किस वजह से? इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से। कंस्ट्रेंट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड सोशल कल्चर अरेंजमेंट्स डिमिश डैमिनिश, कि ये जो मुश्किल थी, जो रुकावटें थी, किस में? ज्योग्राफी की बुनियाद पे, जमीनी ताल्लुक की बुनियाद पे, कि एक मुल्क इस जगह पे मौजूद है, दूसरा मुल्क दूसरी जगह पे मौजूद है, तो ये जो दरमियान में रुकावट थी ये खत्म हो गई है। ठीक है, सोशली कैसे वो आपस में नहीं मिलते थे, कल्चरली कैसे उनका एक्सचेंज नहीं होता था, तो वो ये जो इनका ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ये जो पाबंदियां थी, जो रुकावटें हैं वो खत्म हो गई है। इसकी एग्जाम्पल ये कहते हैं कि ये प्रोसीड हुआ, वेस्ट से एग्जाम्पल देते हैं यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 27 कंट्रीज, 27 मुल्कों का ये आपस में कॉम्बिनेशन है, जो कंट्रीज आपस में पॉलिटिकली इकोनॉमिकली आपस में उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई हुई है, और उस ग्रुपिंग की बेसिस पे वो उनके दरमियान में बॉर्डर्स तो हैं लेकिन उस तरह से उनके बॉर्डर्स नहीं है। अब एक बंदा एक वीजे के थ्रू यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे मुल्कों में घूम फिर सकता है, वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर जा सकते हैं, वो किसी एक ट्रेन के जरिए से अगर किसी एक मुल्क में गया है तो उस ट्रेन के जरिए से टिकट भर के वो दूसरे मुल्क में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ये क्या करता है कि इंटरेक्शन उसने ज्यादा कर दिया है, जो उस इस जो 27 मुल्क है इन्होंने आपस में ट्रेड के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से और मल्टीपल परस्पेक्टिव से, उन्होंने क्या किया है, डी टेरिटोरियलाइजेशन, जो टेरिटरी की बेसिस पे जो रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म कर दी है और सोशल और पोलिटिकल अरेंजमेंट्स उन्होंने नई बना दी है। ओके, देन वी हैव हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ चीजों का आपस में मिक्स होना और उसके नतीजे में नई चीज बनना, प्रोसेस ऑफ कल्चरल एंड इथनिक मिक्सिंग। कल्चर की मिक्सिंग हो रही है, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों की मिक्सिंग हो रही है, टू प्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स, नई चीजें बनने के लिए। प्लीज म्यूट योर माइक, जिसका माइक खुला हुआ है। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एथनिक मिक्सिंग टू प्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स, के कल्चर इस तरह से मिक्स हो गया कि उसके नतीजे में नई चीजें बन रही हैं, नई चीजें ईजाद हो रही हैं, नए तरीके निकल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। जैसे हमें क्या पता चल रहा है, हमारे मुल्क में वेस्टर्न कल्चर भी चल रहा है, अमेरिकन कल्चर भी चल रहा है, पाकिस्तानी कल्चर भी चल रहा है, तो हम एक ही, अगर हम ड्रेसअप होते हैं तो हम एक ही उस ड्रेसअप ने अमेरिकन कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमने किया, वो जो कल्चर फॉलो किया मिक्स करके मुख्तलिफ, तो उसके नतीजे से एक नया फॉर्म इमर्ज हुआ है, एक नई शक्ल निकल आई है। जैसे ने इसने इन्होंने क्या कहा है कि इसका रिजल्ट क्या है, कल्चरल और इथनिक मिक्सिंग की वजह से। इथनिक कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, या किसी पर्टिकुलर कल्चर की बेसिस पे लोगों की ग्रुपिंग होना। ठीक है, तो अब इथनिक मिक्सिंग हो गई है, अब ये एक खास कल्चर के या खास लैंग्वेज के जो लोग होते थे वो एक महदूद नहीं रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका एक्सचेंज हो रहा है। वो तो उस एक्सचेंज होने की वजह से, इस एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से क्या हो रही है, नई फॉर्म्स बन रही हैं। इसका रिजल्ट क्या है, अडॉप्ट ईच अदर्स लैंग्वेज। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे की जबानों को समझ रहे हैं,
एंड अडेप्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस किसी मुल्क में पहले से मौजूद है उसके अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं, उसके अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। हम अब ये बात करते हैं कि आज से कुछ साल पहले अगर हम कहते थे हम तो इंग्लिश को जानते भी नहीं थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ कि हमें पता चला इस इंग्लिश लैंग्वेज का और हमने उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में अडोप्ट कर लिया, हमने उसको यूज कर रहे हैं। या अगर हम कहते हैं कुछ सालों के बाद चाइनीज लैंग्वेज, अब आप ऑब्जर्व करते हो कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लैंग्वेज सिखाने के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, डिफरेंट एकेडमीज खुल गई हैं, तो वो क्या कर रही हैं, चाइनीज लैंग्वेज को सिखा रही हैं। इसी तरह से ब्लेंडिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, मतलब इसका है कि ब्लेंड कहते हैं ना, ब्लेंडर होता है जो जूसर ब्लेंडर होता है, उसके अंदर हम डिफरेंट फ्रूट्स डाल देते हैं, डिफरेंट चीजें डाल देते हैं और आपस में इसको मिक्स करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ब्लेंडिंग मिक्स कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ब्लेंडिंग ऑफ एलिमेंट्स उनका कहाँ, और एलिमेंट्स किसके हैं, डिफरेंट कल्चर्स के, मुख्तलिफ कल्चर की जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कल्चर की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा हम मिक्स कर रहे हैं इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। देन हमारे पास है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब है, होमो मीन्स सेम, ठीक है, होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, आइडियाज हैं, सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वो एक हो रहा है। क्या हो रहा है, वो एक जैसा हो रहा है। पहले वो मुख्तलिफ कल्चर्स थे तो अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एक ही तरह का कल्चर फॉलो हो रहा है। पूरी दुनिया में इंग्लिश लोग बोलते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग अब इंग्लिश के साथ साथ अब चाइनीज लैंग्वेज को भी सीख रहे हैं, चाइनीज लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, होमोजेनाइजेशन में क्या हो रहा है, टू यूनाइट द वर्ल्ड, दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किस पर्पस से, मेकिंग ऑल डिफरेंट पॉइंट्स अलाइक, जो मुख्तलिफ चीजें थी उन सब मुख्तलिफ चीजों को एक जैसा बना के, वेदर इन कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड, जो डिफरेंट पॉइंट्स थे वो पॉलिटिकल फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स थे, इकोनॉमिकल फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स थे और कल्चरल फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, एक 2 मिनट वेट करें, अजान खत्म हो जाए। ओके, सो इस होमोजेनाइजेशन में हमारे पास क्या है, इट टॉक्स अबाउट के सिमिलर हो रहे हैं जो वर्ल्ड कल्चर है और जो पॉलिटिकल टर्म्स में या इकोनॉमिकल टर्म्स में पूरी दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ पहले पॉइंट्स थे वो अब एक जैसे हो रहे हैं, ग्लोबल लिंकेजेस हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक हो रहे हैं, किस वजह से पॉसिबल हो रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऐसे बन गए हैं, जैसे यूएन क्या कर रहा है, एक तरह के कानून नाफिज करने की कोशिश कर रहा है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ग्लोबल वैल्यूज कैसे फैल रही है, लोग क्या कर रहे हैं उन सबको, आप उन वैल्यूज को, उन नॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि ये वैल्यूज क्या हो रही है वो सिमिलर हो गई है। किस तरह से ये प्रोसेस होता है, ये होता कैसे है कि ये सारी चीजें एक जैसी हो रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की वजह से। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हुई है कि आपस में अब लोग अब कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, कॉन्टेक्ट में आने की वजह से वो आइडियाज को आसानी से सर्कुलेट करते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे मैंने आपको बताया, IMF है, UN है, वर्ल्ड बैंक है, ये डिफरेंट रूल्स बनाते हैं कंट्री को फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस आता है। फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड की वजह से आप सारी एक जैसी चीजें आराम से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंच रही हैं। जो आईफोन पाकिस्तान के लोग यूज करें वही आईफोन अमेरिका के भी यूज कर रहे हैं, चाइना के भी लोग यूज कर रहे हैं। या कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक कंट्री का एक मुल्क बना रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो बिजली की जो बनी हुई चीजें हैं वो बहुत सारे मुल्कों में वही चीजें सब यूज कर रहे हैं। इस तरह फ्री ट्रेड का जरिए अफेक्ट कल्चर, कल्चर को किस तरह से अफेक्ट हो रहा है कि जैसे हॉलीवुड मूवीज, अब वो हॉलीवुड मूवीज पूरी दुनिया में देखी जाती है, उसके जरिए से भी क्या हो रहा है, कल्चर पे अफेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल इन्होंने किसके दिया, मैकडोनल्ड्स की, ये जो मैकडोनल्ड्स हैं, ये जो KFC की आप बात करते हो, ये हमारी ब्रांड्स नहीं है, ये हमारी फूड आउटलेट्स नहीं है, ये बाहर की हैं जो कि इस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेट कर रही हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन हमारे पास क्या है कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस ऑफ कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक चेंज, कल्चर में चेंज लाना है, सोशल इकोनॉमिक चेंज में लाना है, कौन किस कहाँ लाना है, बाय लेस डेवलप्ड कंट्रीज। लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमने सोशली चेंज लाना है, कल्चरली चेंज लाना है, इकोनॉमिकली चेंज लाना है। किस तरह से चेंज लाना है, जो वेस्ट की इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज हैं, जो वेस्ट की डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, जो वेस्ट की इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको करेक्टरिस्टिक्स, उनको कॉपी करते हुए, उनकी जितने भी सलाहियत हैं, उनकी जितने भी खसूसियात हैं, उन खसूसियात को देखते हुए हमने क्या करना है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज ने वो खसूसियात अपने मुल्क में लगानी है। जिस तरह कानून, जिस तरह की
चीजें वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बना रही है, वही चीजें कौन बनाएगा? डेवलप कंट्रीज भी बनाएंगे, वो भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। जिस तरह कानून उन्होंने अपनी सोसाइटीज से अप्लाई किया, यही कानून ये कंट्रीज कहेंगे कि हम भी अप्लाई करें। यूज बाय यूरोपियन ड्राइव्ड कल्चर्स, ठीक है, कि यूरोपियन के जो कल्चर्स हैं वो क्या करने हैं, हमने ज्यादातर डेवलप्ड कौन सी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा डेवलप है ना, इंडस्ट्रियल कंट्रीज कौन सी है, वेस्ट में ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है, तो वो जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके कल्चर्स को हमने क्या करना है कि फैलाना है पूरी दुनिया में, वो लोग कैसे उसको फॉलो करेंगे ताकि हम तरक्की, हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न हो गए, हमने ये कर लिया, हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने वेस्ट की इन इन चीजों को अप्लाई कर लिया, हमने वेस्ट के इन इन कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिए, वेस्ट की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिए, वेस्ट के फूड को अप्लाई अडॉप्ट कर लिए, वेस्ट के हमने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिए, तो हम क्या कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज दैट अदर सोसाइटीज शुड बी मोर लाइक अस, अदरवाइज ये सोसाइटीज इंफीरियर। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये कहती हैं कि अगर सोसाइटीज ने डेवलप करना है तो उनको हमारे जैसा होना चाहिए, दे शुड बी मोर लाइक अस, हमारे जैसे होंगी ये लेस डेवलप कंट्रीज तभी वो तरक्की करेंगी, नहीं तो वो हमेशा इंफीरियर रहेंगी, वो हमेशा निचली सतह पे रहेंगी। देन क्या कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, अर्बनाइजेशन, हमने शहरों की तरक्की करनी है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, मैस मीडिया कैसे आएगा, कम्युनिकेशन कैसे हमने बेहतर बनानी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के दरमियान लेके आनी है, सियासी उनको शऊर होगा, स्किल्ड मैन पावर टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो इंसान होगा वहाँ की जो मैन पावर है, लेबर है, ह्यूमन बींग है, उसको हमने स्किल्ड करना है, हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट लेके आनी है, तरक्की करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री ज्यादा करनी है। तो ये क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन किस चीज को कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन का फोकस क्या है, चेंज इन ऑल एरियाज ऑफ थॉट एंड एक्टिविटी, सोच में भी तब्दीली लानी है और अमल में भी तब्दीली लानी है, और अगर हमने प्रोग्रेस अचीव करनी है, तरक्की करनी है, तो किस तरह से करनी है, सोशो इकोनॉमिक, सोशली इकोनॉमिकली और पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से। अमेरिकनाइजेशन किसकी बात करते हैं, ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज लाइक अमेरिकनाइजेशन, क्योंकि अमेरिकन कल्चर पूरी दुनिया में फैल गया है, अमेरिकन वैल्यूज, अमेरिका इज अ डोमिनेंट पावर, सुपर पावर, और उस सुपर पावर होने की वजह से उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसका तरीका, उसका फूड, वो क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में फैल गया है और वो लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में है, वो यूएस की जितनी भी वैल्यूज हैं, अमेरिकन वैल्यूज हैं, वो लोगों के घरों तक पहुंच गई हैं। किसके जरिए से पहुंच गई हैं, टीवी और इंटरनेट के जरिए से। अमेरिका की बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, अब वो ये जो फॉर फास्ट फूड मार्केट्स हैं, ये पूरी दुनिया में फैल गई हैं, और जो फास्ट फूड का जो प्रिंसिपल है, जो फास्ट फूड कैसे हमने बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो तमाम लोगों के पास चला गया है। ग्लोबल नॉर्म्स, जो सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स बन गई हैं, वो जो ग्लोबल नॉर्म्स है वो असल में किसकी नॉर्म्स है, वो असल में अमेरिकन कल्चर की नॉर्म्स है, ठीक है। और होमोजेनाइजेशन क्या है, और इसकी वजह से होमोजेनाइजेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि अमेरिकन कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है, सभी अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया का कल्चर क्या हो रहा है, होमोजेनाइज हो गया है, एक जैसा हो गया है। होमोजेनाइजेशन क्या है, कॉमन कल्चर हो गया, जिसमें ये है कोका कोला की बात कर रहे हैं, कि कोका कोला ये स्पेलिंग गलत हो गया, दैट इज कोका कोलाइजेशन, ठीक है, कि कोका कोला पूरी दुनिया में फैल गया है, सब लोग उसको यूज करते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन की बात करते हैं, या कहते हैं हॉलीवुड, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, कोका कोला, नाइक, डिज्नी, अब आपको पता होगा ये सारे नाम आपने सुने हैं, डिज्नीलैंड, याहू जो आप ईमेल मेल यूज करते हैं जिसके जरिए से, माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करते हो असाइनमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, गूगल है, मोटरोला है, ये सारे के सारे एजेंट्स क्या है, एजेंट्स ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरली कैसे अमेरिकन कल्चर दूसरे दुनिया के कल्चर के ऊपर हावी है, अमेरिकन कल्चर इन सब चीजों की वजह से दूसरे कल्चर्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस थे, बाउंड्रीज थी, उनके दरमियान जो फर्क था वो खत्म हो गया। कहते हैं कि आजकल जो है वो ये कहा जाता है, इस अमेरिकनाइजेशन के जरिए से ये कहते हैं कि आजकल पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल जो बॉर्डर्स हैं, अगर हमने ज्योग्राफिकली किसी मुल्क पे जाके कब्जा करना है, वो अब इतना ज्यादा इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी कहते हैं कंट्रोल ऑफ कल्चर है, क्योंकि अगर आप कल्चर को कंट्रोल कर रहे हो किसी भी कंट्री के, तो इसका मतलब है आप उस कंट्री को फिर खुद से कंट्रोल कर सकते हो। फियर क्या है कि
इसका नुकसान क्या है कि अगर पूरी दुनिया में अमेरिकनाइजेशन हो जाएगी तो जो पूरी दुनिया से जो नेशनल डिस्टिंक्टिवनेस है, हर एक मुल्क की जो अपनी एक अलग सलाहियत है, उसकी अलग पहचान है इन टर्म्स ऑफ कल्चर है, उसके रिलेशनशिप किस तरह के हैं, तो वो जो अलग पहचान है उसकी वो खत्म हो जाएगी. ग्लोबलाइजेशन इज द इम्पोजिशन ऑफ अमेरिकन कल्चर ऑन द एंटायर वर्ल्ड. मैकडोनलाइजेशन हमारे पास है, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. जी, मैकडोनलाइजेशन. मैकडोनलाइजेशन किसकी बात करता है कि जो मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड की ये एम स्मॉल सी कैपिटल है, ये मैकडोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये जॉर्ज रिट्जर ने किया था. इसने क्या कहा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में क्या है कि आपने मशीन्स को रिप्लेस, ह्यूमंस को रिप्लेस करना है बाय मशीन, जल्दी काम करना है, टाइम को बचाना है, इजी अवेलेबिलिटी होगी लोगों को, उन्होंने अपना टाइम, अब वो मैकडोनल्ड्स पे क्या है, लोग घर पे नहीं खाते, मैकडोनल्ड में आके खाते हैं, इतना टाइम बता देते हैं, 2 मिनट में चीज बन जाएगी, इस तरह से. तो कहती है कि ये जब मैकडोनल्ड खुला था तो ये जो 1950 में, ठीक है, 1950 में जो अमेरिकन जो बिजी फैमिलीज थी उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, क्योंकि ये फूड उनको देता था फौरन 2 मिनट में, 3 मिनट में. तो क्योंकि वो बिजी, बहुत फैमिलीज बहुत बिजी होती थी, उनके मेल और फीमेल दोनों मिलके काम करते थे, इस वजह से उनके लिए ये मैकडोनलाइजेशन, ये जो मैकडोनल्ड खुला ये उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि वो फॉरन ऑफिस से वापस आके मैकडोनल्ड चले गए, वहां खा के वापस आ गए. ठीक है, तो जो कुकिंग का कॉन्सेप्ट था कि घर में कुक करना है, इतना टाइम लगाना है, इतनी मेहनत करनी है, इतने प्रोडक्ट्स को यूज करना है, वो खत्म हो गया. तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसा प्रोसेस है, मैकडोनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्रिंसिपल्स ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट्स है उनका क्या प्रिंसिपल है, उनका क्या मकसद है, हमने काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, किन किन चीजों को करना है, तो वो जो वहां पे काम करने का जो तरीका है, वहां पे जो काम करने के असूल हैं, वो सोसाइटी के हर असूल के साथ जुड़ गए हैं. जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करने के जो असूल हैं, काम कैसे करना है, वो अब लोगों की जिंदगी में भी आ गए हैं. मतलब कि हमने वो चीज देखनी है जो कि हमें क्वांटिटी वाइज अच्छी लगेगी. मतलब कहते हैं ना कि अगर आप देखते हो अक्सर उन्होंने डील्स लगाई हुई थी, ये दो चीजें, ये तीन चीजें, इतने किए उतने किए, लेकिन द थिंग इज दैट कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं कर रही. तो यही जो क्वांटिटी और क्वालिटी के दरमियान जो फर्क है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर भी आ गया है, हमारे दूसरे मामलात में भी. तो क्योंकि ये मैकडोनलाइजेशन क्या कहते हैं, असल में इट इज व्यूड है, इसको क्या देखा जाता है, अमेरिकनाइजेशन ऑफ एंटायर ग्लोब, कि पूरी दुनिया को अमेरिकनाइजेशन कर रहे हैं, अमेरिकन कल्चर के अंदर लेके जा रहे हैं. मैकडोनलाइजेशन इज ऑफर्ड अल्टरनेटिव्स टू लेबर इंटेंसिव होम कुक्ड फूड. इसने एक एक अल्टरनेटिव दी है, उसकी उसके मुतबादल एक चीज दी है. किसके मुतबादल, एक सख्त मेहनत और घर के अंदर खाना खाने के मुतबादल ये एक अपॉर्चुनिटी दी है. इसकी क्वालिटी क्या है, कन्वीनियंस है, इजीली मिल जाता है, अफोर्डेबिलिटी है, उसकी प्राइस पे अफोर्डेबल है, लोग इसको खरीद सकते हैं. इंक्रीजिंग एस्पेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटीज की, इस ये जो चीज है, चीज आसान से, आसानी से मिलना, कीमत पे मिलना, तो ये जो आसानी और सही कीमत पे मिलने के जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, ये इंसानों की अपनी दूसरी लाइफ में भी आना शुरू हो गई. सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन ह्यूमन फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि हम जो इंसानों को पहले इस्तेमाल करते थे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब वो इंसानों की जगह मशीनों ने ले लिए. और ये शो कर रहा है, दिस शोज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. प्रिंसिपल क्या है, जैसे मैकडोनलाइजेशन ये कहता है कि आपने चीज जल्दी बनानी है, फॉरन प्रोडक्ट मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी, क्वालिटी इतनी क्वांटिटी में मिलेगी, इस तरह से आपने काम करना है, मशीनों को इस्तेमाल करना है, ह्यूमन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी. तो ये जो ये प्रिंसिपल्स है, ये जो ये पॉइंट्स है मैकडोनलाइजेशन के, ये पॉइंट्स लोगों की भी जिंदगी में भी शामिल हो गए. ठीक है, अच्छा, ये भी